नमस्कार दोस्तों, फील्स ऑफ नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज और अच्छे से प्लांट्स की जानकारी लेके आई हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्लांट है और समर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। तो इस प्लांट्स का नाम है एक्जोरा। एक्जोरा का प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। गुच्छों गुच्छों में इसकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। और एक्जोरा प्लांट के जो फ्लावरिंग के कलर होते हैं अलग अलग होते हैं। येलो कलर में आते हैं, जो आप देख रहे हो डार्क रेड कलर का है, लाइट पिंक कलर के आते हैं, येलो कलर में आते हैं, वाइट कलर में आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ में आते हैं दोस्तों। और एक्जोरा प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आप इसको छोटे में घना करना चाहते हो तो आप लगाने के बाद समय समय पर थोड़ी थोड़ी छटाई आप करते रहो तो एक अच्छा घना सा लुक दे के आएगा। अगर इसको आप छोड़ दोगे तो फिर ये बहुत हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंची भी एक्जोरा का प्लांट हो जाता है। गमले में रहेगा तो ज़मीन की अपेक्षा थोड़ी हाइट कम रहती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अस्तव्यस्त दिखेगा। इसके लिए इसके समय समय पर छटाई कर देंगे। जितनी छटाई करोगे उतना ही ये घना और बहुत ही अच्छा रहेगा। और मानसून के मौसम में दोस्तों आप इसको लगा लो कटिंग। मानसून के मौसम में आप कटिंग लगाओगे तो आपको ज़्यादा खाद पानी देने की चिंता नहीं करनी है, या किस मौसम में लगाए इसकी चिंता नहीं करनी है। और अगर अदर मौसम में लगाओ तो थोड़ा समय का ध्यान रखना होता है कि शाम के टाइम, अक्सर मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ कि शाम के टाइम तैयार रखें, लगाएं किसी भी प्लांट्स की कटिंग, और मिट्टी और पानी का रेशो पहले से तैयार रखें। एक दिन पहले कोशिश करें कि गमले में मिट्टी पानी तैयार करके रखें तो सिर्फ तुरंत कटिंग काट के लगाने की बस रहेगी। तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, मेरा पर्सनल अनुभव है। और एक्जोरा प्लांट की कटिंग, छोटी छोटी सी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर लगा लीजिए। और इसमें फंगस वगैरह बहुत कम लगते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। और इसकी फ्लावरिंग जब होती है तो गुच्छों गुच्छों में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार की इसकी जो फ्लावरिंग के जो कलर होते हैं वो कोई भी कटिंग आप लगा सकते हो। और अगर आप इसको नर्सरी से नहीं भी लाओ तो कहीं भी इसकी छोटी सी भी कटिंग लगे दिखे तो आप लेके आ सकते हो, लगा दो, बहुत आसानी से लग जाता है। और खाद पानी और उसका जो है मैं वीडियो बना के डाल चुकी हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं किसी भी प्लांट्स के लिए, या खाद कौन सा डालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इस तरह बताऊंगी कि सभी प्लांट्स के लिए मिट्टी का रेशियो क्या होनी चाहिए या खाद कौन कौन सा डालना चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल एक्जोरा का प्लांट की कटिंग आप ज़रूर लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट। इसकी फ्लावरिंग बहुत, गुच्छों में खुशबू तो कम होती है, खुशबू न के बराबर होती है, लेकिन इसको जो लुक होता है बहुत ही सुंदर लगता है। और दो चार वेराइटीज़ अगर आप इसके लगा लोगे तो माइंड ब्लोइंग लगेंगी। और ये कटिंग देख रहे हो आप, जो डाली दिख रही है उसी कटिंग कहीं से भी आप इसको लगा सकते हो। एक्जोरा प्लांट मैंने लगाया है, सिर्फ डायरेक्ट तौर के मैं लेके आई थी और लगाई थी और बहुत अच्छे से लग गया है। ज़मीन पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, गमले में थोड़ी सी कम रहती है। और हाँ, घना करने के लिए आप समय समय पर इसकी छटाई करते रहिए तो छोटे में ये बहुत घना हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप छोड़ दोगे, कटाई छटाई नहीं करोगे तो थोड़ी अस्त व्यस्त इसकी डालियाँ हो जाती है, तो इसीलिए आप छटाई करते रहो तो फ्लावरिंग भी इसकी बहुत अच्छी होने लगती है। और घने प्लांट पे इससे बीच बीच में आप जो देख रहे हैं गुच्छों गुच्छों में फ्लावरिंग, वो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट।